आप सभी का हमारे YouTube चैनल के एल इन्फो बाई केश लाल सर में हार्दिक स्वागत है। सर्वोच्च प्राथमिकता मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन प्रति समस्त कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विषय कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। राज्य शासन द्वारा COVID-19 महामारी के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक के लिए निम्न अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। देश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे का रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा। प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में दमोह को छोड़कर शुक्रवार सायं 6 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। दमोह नगर के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी दमोह द्वारा निर्णय लिया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले में दिनांक 8/4/2021 की रात 8 बजे से दिनांक 16/4/2021 की प्रातः 6 बजे तक जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा आदेशित कर सकेंगे। बैतूल रतलाम खरगोन एवं कटनी जिलों में दिनांक 9/4/2021 को सायं 6 बजे से दिनांक 17/4/2021 को प्रातः 6 बजे तक जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन जिला कलेक्टर जारी कर सकेंगे। शाहजहाँपुर नगरीय क्षेत्र में दिनांक 7/4/2021 की रात 8 बजे से दिनांक 10/4/2021 को प्रातः 6 बजे तक लॉकडाउन जिला कलेक्टर शाहजहाँपुर आदेशित कर सकेंगे। लॉकडाउन अवधि में जिन गतिविधियों को लॉकडाउन के बंधनों से मुक्त रखा जाएगा वे परिशिष्ट में संलग्न है। संपूर्ण प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्य दिवस सप्ताह में 5 दिवस सोमवार से शुक्रवार निर्धारित किए जाते हैं। शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। 5 कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक नियत होगा। उक्त आदेश दिनांक 31/7/2021 तक प्रभावशील रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा पृथक से आदेश जारी किए जा रहे हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार हॉटस्पॉट क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में 7-10 दिवस का लॉकडाउन जिला कलेक्टर लागू कर सकेंगे। इन हॉटस्पॉट क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में आवाजाही पर वे समस्त प्रतिबंध लागू होंगे। गतिविधियाँ जिन्हें लॉकडाउन में प्रतिबंध से छूट रहेगी, अन्य राज्यों से माल सेवाओं का आवागमन, केमिस्ट, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक एवं ATM, दूध एवं सब्जी की दुकानें, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों कर्मचारियों का आवागमन, केंद्र सरकार राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी कर्मचारी का आवागमन, परीक्षा केंद्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केंद्र में परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी अधिकारीगण, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड सेवाएँ, टीकाकरण आवागमन कर रहे नागरिक कर्मी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिक, अन्य गतिविधियाँ जिन्हें कलेक्टर लॉकडाउन से मुक्त रखने हेतु उचित समझें। जो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की गाइडलाइन में उल्लेखित है उक्त निर्देशों का समयावधि में तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। तो यह गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। इसे अधिक से अधिक जनहित में व्हाट्सएप पर शेयर करें। धन्यवाद।